गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। पिछले कुछ वीडियो में आपने जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ा, ठीक। उसके कई पार्ट में बनाए हैं, तो उसके कई पार्ट आपने पढ़े होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक, क्या होता है और इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। मैंने आपको जब चार्ट बनवाया था कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो उस चार्ट में मैंने पहले ही बता दिया है। तो आज का जो टॉपिक है बैक्टीरिया में लैंगिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन, तो कुछ समय पहले तक यह विचारधारा थी कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता है। मतलब पहले तो यही माना जाता था कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता ही नहीं है। फिर कुछ वैज्ञानिक आए जैसे लेडरबर्ग और टाटम। तो लेडरबर्ग और टाटम जो वैज्ञानिक आए 1946 में, तो इन्होंने सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता है। तो 1946 में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक। तो पहले तो यही माना जाता था कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। लेकिन बाद में 1946 में लेडरबर्ग और टाटम ने यह सिद्ध कर दिया कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस विचारधारा के अनुसार बैक्टीरिया में लैंगिक जनन तीन प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है वो तीन विधि द्वारा होता है, ठीक। तो पहला आता है रूपांतरण बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आता है पारक्रमण, और तीसरा आता है जो कॉन्जुगेशन, ठीक। तो इस प्रकार से ये तीन विधियां आती हैं। तो हम आज पढ़ेंगे रूपांतरण द्वारा बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस विधि में एक प्रकार की बैक्टीरियल को, जैसे इसका नाम है रूपांतरण, अर्थात एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना, तो यही विधि है इसकी। इस विधि में एक प्रकार की जो बैक्टीरियल कोशिका होती है, अर्थात जो एक प्रकार की बैक्टीरियल कोशिका होती है वो दूसरे प्रकार की बैक्टीरियल कोशिका में बदल जाती है, इसीलिए इस विधि को रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। इसके लिए एक प्रयोग किया गया, इसके लिए कई प्रयोग दिए गए हैं। एक ग्रिफिथ का प्रयोग दिया गया है और एक ये नॉन कैप्सुलेट बैक्टीरिया का प्रयोग दिया गया है। तो हम ये छोटा सा प्रयोग देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या किया गया, एक परख नली ली गई, उस परख नली में एक बैक्टीरिया संवर्धन माध्यम लिया गया, ठीक, जो सॉल्यूशन लिया गया संवर्धन माध्यम जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सके। तो उसमें कैसा बैक्टीरिया लिया गया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, अर्थात ऐसा बैक्टीरिया लिया गया जिसकी कोशिका भित्ति पर कैप्सूल अर्थात संपुट का आवरण नहीं था। ऐसा बैक्टीरिया लिया गया जिसकी कोशिका भित्ति पर कैप्सूल का आवरण नहीं था, ठीक। तो क्या किया गया, इसको एक परनली में ले लिया गया संवर्धन माध्यम में, और फिर क्या किया गया, फिर एक ऐसा बैक्टीरिया का डीएनए लिया गया जो कैप्सुलेटेड था, अर्थात जिसकी कोशिका भित्ति पर कैप्सूल का आवरण होता था। तो उसका डीएनए ले लिया गया, और उसका डीएनए लेकर उस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की परख नली में डाल दिया गया। किसका, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था उसका डीएनए लेकर कहाँ डाल दिया गया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की परख नली में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, उन नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए, उन नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के डीएनए से मिल गया, ठीक। दोनों का डीएनए आपस में मिल गया, और जिससे हुआ क्या कि जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में बदल जाता है। इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ग्रिफिथ का प्रयोग भी है, ग्रिफिथ का जो प्रयोग था वो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पर किया गया, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट हम समझ लें, केवल एक एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं इसमें, और ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको दूसरी विधि बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।